These girls are enjoying the ongoing tournament in Sheri Kashmir Cricket Stadium, organized by Jammu and Kashmir Cricket Association. This tournament is one of its kind, promoting women's cricket in Jammu and Kashmir. बहुत ही एंजॉय करते हैं. हमारी है साइमा रशीद मैम, वो बहुत ही अच्छा सिखाती है, मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे सिखाती है. बहुत ही अच्छा है JKCA की तरफ से लड़कियों को हाउ टू प्रमोट ए क्रिकेट इन कश्मीर. जितना हम इसको एंजॉय कर रहे हैं कि हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम इसको कितना एंजॉय कर रहे हैं. आफ्टर लॉन्ग टाइम गर्ल्स को ये मौका मिल रहा है अपना हुनर, अपना टैलेंट दिखाने के लिए. इससे एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि एक तो फीमेल क्रिकेट में बूझ मिल रहा है, आगे जा रहा है. दूसरा एक जो फीमेल सॉरी इनको अपनी तरफ एनकरेज हो रहा है और फिजिकली फिट रह रहे हैं. और हम JKCA के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हम अपना टैलेंट शो करें. ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स गर्ल्स आर शोइंग प्रॉमिस इन स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग क्रिकेट एंड दे नीड अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस दिस टैलेंट. And this tournament aims to do exactly that. Five teams have been formed with the best of local cricketing talent for the tournament. The best players will be selected for the next round and get a chance to showcase their skills on a bigger platform. ये जो हमने tournament, ये जो हमने initiative लिया, it's the first of its kind in the valley. पूरे जम्मू कश्मीर में ये पहली दफा हुआ है कि हमने women cricket को promote किया है. तो हमारी जो वुमेंस है काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन इनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं. तो डैट इज़ द रीज़न कि हम इस वुमेंस क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं. लड़कियां आई हैं जो हमको लगा, सिलेक्टर्स हमारे को बेस्ट लगा कि हमने पांच टीमें बनाई, वो पांच टीमें आपस में खेल रही हैं. जो इसमें से इम्प्रूव करेगा वो आगे जाएगा. इंडिया इज गोइंग टू हैव वुमेंस IPL नेक्स्ट ईयर. And these initiatives are expected to be immensely beneficial in grooming local talent for big national level tournaments like the IPL. Bureau Report, OTV News.